तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आरंभ करते हैं। भूमि चयन का वर्णन चल रहा है और पिछली इकाइयों में हम वर्णाश्रम व्यवस्था, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र, इसे देख चुके हैं। भूमि का चयन करते समय किस प्रकार आसपास का परिवेश, वातावरण, लोकेलिटी, सोसाइटी, उसको देखना, फिर उसके पश्चात भूमि का ओरिएंटेशन देखना कि प्लॉट की दिशा क्या है। यदि वह विशुद्ध दिशा में है, उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, दक्षिण मुखी है, पश्चिम मुखी है, तो वर्ण के अनुसार ठीक है, शुभ है। सामान्य रूप से जिस भूमि का झुकाव उत्तर की ओर है, ईशान की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, वह शुभ है। हम देख चुके हैं कि प्लॉट का, भूखंड का आकार किस प्रकार होना चाहिए, वर्गाकार, आयताकार, अन्य आकार शुभ बताए गए हैं, और किस प्रकार के आकार जो हैं वो अशुभ हैं और उनको कैसे शुद्ध करना, शोधन करना, उनको कैसे वर्गाकार में, आयताकार में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना, यह देख चुके हैं। इतना देखने के उपरांत परिवेश, लोकेलिटी, सोसाइटी, वातावरण, आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं, प्लॉट कहाँ स्थित है, भूमि का आकार आदि देखने के उपरांत अब भूमि परीक्षण या मिट्टी परीक्षण विधि का वर्णन देखेंगे कि जिस भूखंड पर, जिस प्लॉट पर अपने को निर्माण कार्य करना है, भवन बनाना है, चाहे वह रहने के लिए हो, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, व्यापार व्यवसाय के लिए हो, उसकी मिट्टी उस प्लॉट पर, उस भूखंड पर, उस स्थान पर जो मृदा है, मिट्टी है, सॉइल है, वह किस प्रकार की है, उसकी भारवहन क्षमता कितनी है, आर्द्रता, उसमें मॉइस्चर कितनी है, उस भूखंड पर, उस प्लॉट पर किस प्रकार का रेडिएशन है, वहाँ वायु का संचरण किस प्रकार का है, इत्यादि गुणों का परीक्षण हम भूमि परीक्षण के नाम से जानते हैं और आज उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम भूमि परीक्षण की विभिन्न विधियों को देखेंगे। आधुनिक समय में सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स जब कभी निर्माण कार्य करते हैं या जिस स्थान पर निर्माण कार्य करते हैं, उस स्थान की मृदा, भूमि, मिट्टी, उसका परीक्षण करते हैं। ये पूरी ब्रांच आजकल सॉइल केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आज के समय की विधियां, जिसको अपन आधुनिक विधि कह सकते हैं, उससे भी श्रेष्ठ कहो, उत्तम कहो, ये प्राचीन विधियां हैं। क्यों हैं श्रेष्ठ, क्यों हैं उत्तम, क्यों हैं? क्योंकि प्राचीन विधियों में जो लागत कहो परीक्षण की, या खर्च कहो, वो मिनिमम है, नगण्य है। दूसरा, ये जितनी भी टेस्ट, जितने भी परीक्षण प्राचीन विधियों में
प्राचीन विधियों के अनुसार किए जाते हैं। वे सारे परीक्षण साइट पर कहो, भूखंड पर कहो, वहीं करते हैं। आधुनिक समय के परीक्षण लेबोरेटरीज में करते हैं, प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। अंतर क्या होता है, फर्क क्या होता है कि प्रयोगशाला का वातावरण रिजल्ट्स को, परिणाम को प्रभावित कर सकता है या करता है। जैसे एक मिट्टी में आपको नमी का परीक्षण करना है, आर्द्रता मॉइस्चर उसका परीक्षण करना है, तो यहाँ वास्तुशास्त्र में हम साइट पर ही करते हैं और आधुनिक समय में प्रयोगशालाओं में परीक्षण करते हैं। तो जो प्रयोगशाला का वातावरण है, वहाँ की जो मॉइस्चर्स हैं, उससे हमारा परीक्षण प्रभावित हो सकता है या होता है। तो अपनी यानी प्राचीन जो विधियाँ हैं वह ज़्यादा एक्यूरेट हैं, ज़्यादा सही हैं, लागत उसमें कम है, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ बनाने की आवश्यकता नहीं है और साइट पर ही करते हैं, इसलिए सटीक परीक्षण हमें प्राप्त होता है और समय भी कम लगता है। तो अभी अपन ये भूमि या मिट्टी परीक्षण की 7 विधियों को देखेंगे। स्पष्ट हो रहा है आज की इकाई में क्या देखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? भूमि परीक्षण। तो मृदा या भूमि परीक्षण में क्या करते हैं कि यदि भूखंड अपना सामान्य आकार का है तो किसी एक स्थान पर, और यदि भूखंड बहुत बड़ा है तो अलग अलग जगहों पर यह मृदा का, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, भूमि का परीक्षण किया जाता है। तो क्या करते हैं, एक जो टेस्ट है जिसको हम घनत्व परीक्षण कहते हैं, डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, कि जो सॉइल है, मिट्टी है, वो कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी ठोस है। क्योंकि जब भूमि कहो, मिट्टी कहो, वह ठोस होगी तो उस पर जो हम भवन खड़ा करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, निर्माण करेंगे, उसका भार वह मिट्टी सहन कर पाएगी, उठा पाएगी, तो सॉलिड फाउंडेशन तक जाते हैं। तो ये मिट्टी का घनत्व कितना है, किस प्रकार का है, उसके लिए जो परीक्षण करते हैं उसमें एक हाथ लंबा, एक हाथ जिसको हस्त कहते हैं चौड़ा, और एक हाथ गहरा। अब ये जो हस्त जो होता है ना, वो वास्तु में अपने एक मेज़रमेंट की इकाई है। तो ये ऐसा लकड़ी का बना हुआ हस्त होता है ना, ये जो हस्त होता है वो इतना लंबा होता है, ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 फिट है, यहाँ इस उंगली से और यहाँ हस्त तक। ये जब उंगली पे अपन ने इसको लगाया और हाथ को लंबा किया तो ये यहाँ तक का जो हिस्सा आता है इसको हस्त बोलते हैं, ये हस्त है, लगभग 2 फिट का होता है ये, है ना। ऐसे ये फोल्डिंग हो जाता है और कारपेंटर लोग इसको ऐसे फोल्ड करके जेब में भी रख सकते। तो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, गड्ढा खोदा प्लॉट पर, साइट पर, और उस मिट्टी को बाहर निकाल लिया और पुनः उस गड्ढे को उस मिट्टी से भर दिया। अब यदि अपने पास सफिशियंट क्वांटिटी में मिट्टी बच जाती है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो भूमि है, प्लॉट है, भूखंड है, वो कॉम्पैक्ट है, ठोस है, तभी तो उस गड्ढे को भरने के उपरांत अपने पास मिट्टी बच गई, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट थी, तो जब उसको निकाला तो वो भुरभुरी हो गई, और जब हमने उसको रिफिल करा उस गड्ढे को तो अपने पास मिट्टी बच गई। ये पहली स्थिति है। तो कहेंगे ये भूमि जो है, यदि मिट्टी अपने पास बच जाए गड्ढा भरने के उपरांत, तो ये भूमि शुभ है, ठोस है, इसका घनत्व अच्छा है। यदि बराबर रहे, ना मिट्टी कम पड़े ना मिट्टी बचे, तो कहेंगे ये उतनी अच्छी नहीं है,
सो सो जिसको मध्यम कहते हैं, मध्यम क्वालिटी की मीडियम है। और यदि मिट्टी कम पड़ जाए, जब भूमि में पोरोसिटी होगी, छिद्र होंगे, वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी, चूहे के, सर्प के और किसी प्रकार के उसमें होल्स हैं, बिल हैं, तो क्या होगा? जो मिट्टी आपने निकाली और जब उसको रिफिल करा उस गड्ढे को, तो मिट्टी कम पड़ गई तो कहा कि ये भूमि शुभ नहीं है, अधम कहा है उसे। शास्त्र की भाषा में उसे भूमि को अधम कहा है। तो क्या करते हैं, शास्त्र की भाषा में कहते हैं छोड़ दो। अब आज के समय में कोई स्थान है जहाँ डेंसिटी प्रॉपर आपको न मिले, तो उसमें जो हम नींव की खुदाई करेंगे, जो फाउंडेशन करेंगे, वो सॉलिड ग्राउंड तक करेंगे। जहाँ हमें कठोर भूमि मिलेगी वहाँ तक खुदाई करके उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे इंदौर में, इंदौर जो नगर है मध्य प्रदेश में, इंदौर नगर में जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है इन जनरल, उसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। तो क्या करते हैं, जब निर्माण कार्य को आरंभ करते हैं तो उसको खोदते जाते हैं तो करीब 9 फीट की गहराई तक काली मिट्टी मिलती है। उसके बाद पीली मिट्टी और कंकड़ वाली मिट्टी आती है, तो उसमें भी 1.5-2 फीट खुदाई करके वहाँ से फिर फाउंडेशन लेके चलते हैं, नींव वहाँ से भरते हैं। तो घनत्व परीक्षण के माध्यम से हम भूमि के यानी मिट्टी के घनत्व का पता लगाते हैं। तो जहाँ तक हमको, जिस स्तर पर हमको कॉम्पैक्ट ठोस ये भूमि मिलती है, वहाँ से हम कंस्ट्रक्शन या नींव भरना शुरू करते हैं। स्पष्ट हो रहा है, इस पहले परीक्षण को, प्रथम परीक्षण को अपन घनत्व परीक्षण कहते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाली और उस गड्ढे को रिफिल किया, पुनः भरा उसी मिट्टी से। यदि मिट्टी अपने पास बच गई तो वह भूमि शुभ है, यदि बराबर रही तो मध्यम है, और यदि मिट्टी कम पड़ गई तो कहेंगे ये अधम है। करेक्शन कैसे करना, सॉलिड फाउंडेशन तक जाना, स्पष्ट है। अब अपन आर्द्रता या नमी परीक्षण देखेंगे, मॉइस्चर टेस्ट देखेंगे। दूसरा जो परीक्षण है उसे मॉइस्चर टेस्ट कहते हैं, नमी परीक्षण। नमी परीक्षण कैसे करते हैं कि प्लॉट पर, भूखंड पर एक हस्त लंबा, एक हस्त चौड़ा, एक हस्त गहरा गड्ढा खोदा और उसे पानी से भर दिया कंप्लीट पूरा। और फिर दो विधियां अपने को यहाँ मिलती है, या तो किसी एक दिशा में 100 कदम गए फिर वापस आए और जल का स्तर देखा, पानी का लेवल देखा। यदि पानी का लेवल कम हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, तो कहेंगे ये 100-100 है, ठीक ठीक है। यदि पानी का वही स्तर बना रहे तो कहेंगे अच्छी है, इसमें मॉइस्चर जो है वो ठीक है कि भूमि ने उस मॉइस्चर को, उस पानी को अवशोषित नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया। और यदि काफ़ी स्तर गिर जाए तो कहेंगे ये भूमि ठीक नहीं है, इसमें मॉइस्चर की कमी है। क्या परीक्षण है पहला? पहला परीक्षण ये है कि एक हमने गड्ढा खोदा, एक हस्त लंबा, एक हस्त चौड़ा, एक हस्त गहरा, और उसे पानी से भर दिया। और फिर किसी एक दिशा में 100 steps 100 कदम गए वापस आए। और यदि वाटर लेवल मेंटेन है, वही है, तो कहेंगे ठीक है। थोड़ा कम हो गया तो कहेंगे 100-100 है। ज़्यादा कम हुआ तो कहेंगे इस भूमि में मॉइस्चर की कमी है। दूसरे तरीके से भी इस परीक्षण को करते हैं,
जिसमें इतना ही बड़ा गड्ढा खोदा, पानी से भरा और पूरा एक रात्रि वेट किया। अगले दिन मॉर्निंग में सुबह उस गड्ढे में परीक्षण किया, देखा जाके यदि कुछ पानी बचा हुआ है तो कहेंगे बहुत अच्छी है, यदि गीलापन है, नमी है तो कहेंगे ठीक ठीक है, और पूरा पानी यदि उसमें एब्जॉर्ब हो गया है, क्रैक्स आ गए हैं तो कहेंगे अधम है। क्या होता है टेक्निकली कि जिस भूमि में नमी ना हो और उस पर यदि हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, दीवार बनाई, कॉलम बनाए, और यदि उस भूमि में नमी नहीं है तो वहाँ की जो मिट्टी है वो सारी नमी को सोख लेगी, जो दीवार खड़ी की, जो कॉलम खड़े किए, उसका पानी वो तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगी। उससे क्या होगा, जो निर्माण कार्य हम करेंगे वो कमज़ोर होगा, उसमें क्रैक्स आएंगे। इसलिए ऐसी भूमि का चयन करना जिसमें मॉइस्चर लेवल प्रॉपर हो। अब क्या होता है, इस परीक्षण को जब आप करते हैं तो इसमें सीजन्स का, ऋतुओं का फर्क होता है। यदि यह मॉइस्चर टेस्ट आप गर्मी में लगाएंगे, समर सीजन में लगाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में लगाएंगे, तो हो सकता है यह टेस्ट आपका जो आप लगाएं उसमें मिट्टी में बहुत अधिक नमी न मिले, शुष्क सूखी मिट्टी मिले। वर्षा ऋतु में इस टेस्ट को लगाएंगे, इस परीक्षण को करेंगे तो हो सकता है बहुत अधिक नमी आपको मिले। तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य इसका यह है कि जब भी आप निर्माण कार्य करें उस समय भूमि में नमी होना चाहिए। अब यदि नमी ना हो तो क्या करेंगे, जो तरी है ना, पानी से जब छिड़काव करते हैं दीवार पर, कॉलम पर, बाद में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो तरी करते हैं, तो उसको बार बार करना पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में 3 बार 4 बार करो, वर्षा ऋतु में उसकी आवश्यकता नहीं है तरी करने की। तो ये नमी परीक्षण विधि को अभी अपन ने देखा, समझा, जाना, और भूमि में यदि नमी कमी हो तो क्या प्रिकॉशंस रखना, क्या उपाय करना, इसको भी समझा, इसको भी जाना। स्पष्ट हो रहा है अगला जो परीक्षण है उसे फर्टिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसे उर्वरता परीक्षण कहते हैं। अपने यहाँ उपजाऊ भूमि को शुभ माना गया रहने के लिए, ऐसी भूमि जिस पर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हों, वास्तु की दृष्टि से रहने के लिए बहुत शुभ मानी गई है, क्योंकि उस सॉइल की, मिट्टी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो सभी प्रकार के बीजों को उपजाती है, फर्टाइल है जो लैंड, जो सॉइल, तो वहाँ किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी भी वर्ण का व्यक्ति यदि ऐसी भूमि पर निवास करेगा तो वह उन्नति को प्राप्त होगा, उसकी प्रगति होगी। भारत में भी देखो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, नॉर्दर्न इंडिया की जो सॉइल है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, वहाँ की जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ हर प्रकार का व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त करता है। दूसरी जो सॉइल है, मिट्टी है, जहाँ वनस्पतियाँ कम हैं, जहाँ की लैंड फर्टाइल नहीं है, वहाँ का व्यक्ति, जैसे राजस्थान का कुछ भाग भूभाग समझ लो, पहले के समय अन्य स्थान पर जाता था, चाहे वो बंगाल हो, कलकत्ता हो, देश के अन्य भूभाग हो, वहाँ जाकर अपना व्यापार व्यवसाय करता था और उन्नति को प्राप्त करता था। तो जिस भूखंड पर, जिस प्लॉट पर व्यक्ति निवास करता है, यदि वहाँ की मिट्टी की उर्वरता अच्छी है, फर्टाइल लैंड है वो, तो वहाँ
व्यक्ति उन्नति को, समृद्धि को प्राप्त करता है। जो प्रॉपर्टी वो विकसित करना चाहे कर लेता है, जो भी कार्य को वो आरंभ करना चाहे उसमें उत्तरोत्तर प्रगति को, विकास को वो प्राप्त करता है। स्पष्ट हो रहा है? तो अब ये उर्वरता का परीक्षण कैसे करना, तो उसकी सरल विधियां हैं कि जो भूमि है उसमें शाली, ये चावल की एक जाति है, व्रीही यानी चावल समझ लो, चावल, तिल, जौ, सरसों, मूंग, इनको बो दो, और बोने में, बोने के उपरांत यदि 3 दिन में 3 रात्रि में वो फर्टाइल हो जाए, उसमें अंकुरण आ जाए, तो कहेंगे ऐसी भूमि बहुत शुभ है। 5 या अधिक रात्रियां लगें, 5 रात्रि में आए तो कहेंगे मध्यम है। 7 या अधिक रात्रि लगे तो कहेंगे ये जो भूमि है ये अधम है, फर्टाइल नहीं है। तात्पर्य क्या है कि ये जो व्रीही है, शाली है, तिल है, मूंग है, सरसों है, जौ है, इनमें किसी में कार्बन, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में प्रोटीन्स हैं, किसी में विटामिन्स हैं, किसी में ऑयल कंटेंट अधिक है, तिल है, सरसों है। तो जो भूमि सभी प्रकार के कंटेंट, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे ऑयल हो, इन सभी बीजों को जो भूमि उपजाती है 3 रात्रि पे, वो कैसी भूमि है? वो फर्टाइल लैंड है। तो ऐसी भूमि पर जब व्यक्ति भवन बनाकर निवास करेगा तो क्या होगा, वो उन्नति को, प्रगति को प्राप्त करेगा। कभी कभी इतने 7 बीज न लेते हुए 3 बीज ले लिए, चावल ले लिया, सरसों ले ली और मूंग ले ली, और उससे भी इस परीक्षण को कर सकते हैं। 3 दिन में 3 रात्रि में यदि फर्टाइल हो गई वो सॉइल, वो मिट्टी, तो कहेंगे बहुत अच्छा। 5 रात्रि लगी तो कहेंगे मध्यम है, 7 रात्रि लगी तो कहेंगे अधम है। तो अभी तक कितनी विधियां देखी, एक डेंसिटी टेस्ट, एक मॉइस्चर टेस्ट और 2 प्रकार की फर्टिलिटी टेस्ट। अब हम रेडिएशन या विकिरण परीक्षण को देखेंगे। स्पष्ट हो रहा है? ये सरल टेस्ट हैं और साइट पर ही किए जाते हैं। ऐसी जो सॉइल है, मिट्टी है, जिसकी उर्वरता कम है, उसकी उर्वरता को गोमूत्र से, गोबर से भूमि पर ऐसा छिड़काव करके उसकी उर्वरता को बढ़ाना चाहिए या बढ़ाई जा सकती है। अगला जो परीक्षण है जिसे हम रेडिएशन टेस्ट के नाम से जानते हैं, विकिरण परीक्षण के नाम से जानते हैं, इस पे क्या करते हैं, इस परीक्षण में कि जो पिट, जो गड्ढा अपन ने तैयार किया, एक हस्त लंबा, एक हस्त चौड़ा, एक हस्त गहरा, उसमें 4 रंग के फूल रख देते हैं, 4 दिशाओं में। सफ़ेद रंग का फूल रखते हैं पूर्व दिशा में, लाल रंग का फूल रखते हैं दक्षिण में, पीले रंग का फूल रखते हैं पश्चिम दिशा में, तथा काले रंग का फूल रखते हैं उत्तर दिशा में। और जिस रंग का फूल अधिक समय तक खिला रहे उस वर्ण के लिए वह भूमि शुभ मानते हैं या जानते हैं। तात्पर्य क्या है कि जिस भूमि पर सफ़ेद रंग का रेडिएशन ज़्यादा मिलता है, कॉस्मिक रेडिएशन, वह अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन या जो भी प्रॉपर्टी आपको वहाँ डेवलप करना है आप कर सकते हैं। जिस भूमि पर स्वाभाविक रूप से रेड कलर का रेडिएशन अधिक है तो लाल रंग का फूल अधिक समय तक खिला रहेगा, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टीज़ हमें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, वहाँ इन्हांस होती हैं। गोल्डन कलर बिजनेस के लिए शुभ है, और ब्लैक कलर कहो या ग्रे कलर कहो वो शूद्रोचित
शूद्र के लिए जो उपयुक्त है ऐसी मनोवृत्तियों को डेवलप करता है। तो यहाँ हमें रंग और वर्ण उसके बीच में संबंध मिलता है और भूमि पर किस प्रकार का रेडिएशन है इसका भी हमें पता चलता है, ज्ञात होता है। इसके अतिरिक्त एक दिया लिया, उसमें चार बत्तियां बना दी चारों दिशाओं में, और जिस दिशा की कैंडल अधिक प्रज्वलित रहे, पूर्व की यदि रहे तो कहेंगे इंटेलेक्ट के लिए अच्छी है ये भूमि, सदर्न फ्लेम यदि ज़्यादा ग्लो करे तो कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य के लिए अच्छी है, वेस्टर्न फ्लेम यदि ग्लो करती है अधिक प्रज्वलित होती है तो बिजनेस के लिए अच्छी है, सिमिलरली यदि नॉर्दर्न फ्लेम अधिक ग्लो करती है तो शूद्र के लिए शुभ है, ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त जो परीक्षण है उसे हम वायु संचरण परीक्षण कहते हैं कि जो साइट है उस पर एयर फ्लो कैसा है। आसपास यदि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी इमारतें हैं तो वहाँ एयर फ्लो उतना अच्छा ना हो। कैसे करते हैं एयर फ्लो का टेस्ट शास्त्र की दृष्टि में, तो उसकी विधि बताई कि प्लॉट पर जाओ, साइट पर जाओ, वहाँ की मिट्टी धूल उसको उठाओ और हवा में उछालो। यदि वह धूल वहीं की वहीं गिर जाए तो कहेंगे ये शुभ नहीं है, यदि वो धूल थोड़ी सी डिस्प्लेस हो तो कहेंगे ठीक ठीक है, और अधिक डिस्प्लेस हो धूल हवा में उड़ जाए ऊपर उड़ जाए तो कहेंगे शुभ है। आज के समय में जब अपन सोचें तो जैसे कैंडल होती है, स्टिक होती है, अगरबत्ती होती है तो आपने जलाई और वहाँ यदि उसके धुएं तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है, डिस्प्लेस होता है, इसका मतलब उस साइट पर एयर फ्लो प्रॉपर है। धीरे धीरे बढ़ता है, कम बढ़ता है, नहीं बढ़ता है तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वहाँ नहीं है, एयर फ्लो नहीं है, तो वहाँ प्रॉपर वायु संचरण नहीं है। तो ऐसे भूखंड पर यदि व्यक्ति निवास करेगा तो वहाँ रोगी रहेगा, रुग्ण रहेगा, क्योंकि एयर फ्लो नहीं है। इस परीक्षण को आप बने हुए स्थान पर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा स्थान है, वास्तु कंसल्टेंसी करने गए और आपकी बात सामने वाले की समझ में नहीं आ रही कि भाई खिड़कियाँ खोलना चाहिए, उससे क्रॉस वेंटिलेशन होता है, तो आप ये छोटे से प्रयोग अगरबत्ती जलाकर समझा सकते हैं कि देखो आपके यहाँ जो है वो एयर फ्लो प्रॉपर नहीं है। आपने कैंडल जलाई, अगरबत्ती जलाई, स्टिक, और आपने देखा कि देखो भाई इसका जो धुआं है वो प्रॉपर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अर्थात उस स्थान पर एयर फ्लो वो उचित नहीं है। तो अभी अपन भूमि परीक्षण के संदर्भ में देख रहे हैं, तो कितने परीक्षण देखे, घनत्व परीक्षण, आर्द्रता परीक्षण, उर्वरता फर्टिलिटी टेस्ट, रेडिएशन टेस्ट और एयर फ्लो टेस्ट। स्पष्ट हो रहा है, तो जो प्लॉट जो भूखंड इन सभी परीक्षण पर उचित होता है, खरा उतरता है, वह निवास के लिए रहने के लिए उपयुक्त है। जहाँ घनत्व ठीक ना हो वहाँ सॉलिड फाउंडेशन तक जाओ, जहाँ नमी प्रॉपर ना हो वहाँ क्यूरिंग या तरी कहो बार बार करना होगी, और उर्वरता को हम गोबर से गोमूत्र से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आज की इकाई में हमने भूमि परीक्षण की विभिन्न विधियों को समझा और जाना। इन सभी विधियों का वर्णन विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में मिलता है, अन्य ग्रंथों में भी विधियां हैं, किसी में कम ज़्यादा है, किसी में तीन विधि है, किसी में पांच विधि है,
और ये विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में 5 और उनके 2 सब क्लासिफिकेशन, 2 प्रकार की उर्वरता परीक्षण, 2 प्रकार का रेडिएशन टेस्ट, ऐसे 7 विधियों का वर्णन विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में मिलता है। तो आज इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।